क्या आपको पता है कि जॉर्जिया टेक के साइंटिस्ट्स एक ऐसे वॉच को रिलीज किए हैं, एक ऐसे घड़ी को रिलीज किए हैं जिसमें पावर जो है वो हैंड मूवमेंट से आता है। पावर पहला सनलाइट से आता है यानी सूरज से आता है, और दूसरा हैंड मूवमेंट से आता है। मीन्स जब ये घड़ी पब्लिक में रिलीज होगी तब अगर हम लोग इसको पहनेंगे तो नॉर्मली घड़ी पहनने के बाद जो ऐसे ही वॉकिंग करते टाइम जो हैंड हिलता है, हैंड मूवमेंट, उसी से इसको पावर मिलेगा ज्यादातर टाइम। और जब रुका रहेगा तभी बैटरी से पावर लेगा और वो भी सनलाइट से रिचार्ज हो जाएगा। मतलब इस घड़ी में आपको बैटरी या ऐसी कोई चीज का कोई झमेला होगा ही नहीं, और इसमें लाइफ टाइम तक पावर रहेगा और पावर ऑफ कभी होगा ही नहीं। फैक्ट नंबर 19, ये है केचप एंड फ्राइज प्लांट। आपने टोमेटो प्लांट देखा ही है, आपने पोटैटो प्लांट भी देखा है, बट क्या आपने पोमेटो प्लांट देखा है? पोटैटो प्लस टोमेटो, इसका निकनेम है केचप एंड फ्राइज प्लांट। और ये जो प्लांट है ये एक ही साथ टोमेटो भी देता है और पोटैटो भी देता है। ऊपर टमाटर देगा टोमेटो और नीचे पोटैटो देगा आलू, और वो भी सेम टाइम में। फैक्ट नंबर 18, कोलंबियन फॉरेस्ट में एक फूल पाया जाता है, और लाइफ साइंस में इसका आप आर्टिकल देखो, इसे लोग कहते हैं डेमन ऑर्चिड यानी डेविल हेड वाला फ्लावर, क्योंकि इस फ्लावर के इस पार्ट को आप देखो ऐसा लग रहा है किसी दानव का मुंह है, कोई डेविल का चेहरा है। इस फ्लावर में लिटरली ऐसा मतलब नेचुरली बना रहता है। आपको मैंने एक बार फूल के बारे में बताया था इस नाम का, जो कि चिड़िया की तरह दिखता है, ऐसा लगता है कि चिड़िया हो, बट नेचर में ऐसे भी फूल है जिसको देखने पे लगता है कि इसमें बीच में दानव का मुंह बना हुआ है। फैक्ट नंबर 17, ज्यादातर बैट्स यानी जो चमगादड़ होते हैं वो ऐसे दिखते हैं, बट क्या आपको पता है कि एक सफेद कलर का बैट का भी प्रजाति होता है, और इन्हें कहते हैं होंड्यूरन व्हाइट बैट्स, और ये कुछ ऐसे दिखते हैं, होंड्यूरन व्हाइट बैट। फैक्ट नंबर 16, लियोनार्डो ग्रेनाटो, ये एक 27 साल के अर्जेंटेनियन पेंटर है, और इनका पेंटिंग सच में होश उड़ा देने वाला है। ये लिटरली पेंट को अपने नाक के अंदर से लेते हैं और लेने के बाद उसको आंख से निकाल के, आंख के नीचे से ऐसे फुहारे की तरह निकाल के देन पेंटिंग बनाते हैं, बिल्कुल अपने इंस्पिरेशन जैक्सन पोलॉक की तरह, जो कि बिल्कुल कुछ ऐसा ही करते थे। फैक्ट नंबर 15, पुराने बॉलीवुड एक्टर देव आनंद के बारे में एक फैक्ट है। कहा जाता है कि देव आनंद जो हैं वो ब्लैक कोट में इतने अच्छे लगते थे कि लोग बिल्डिंग से कूद जाया करते थे इनका एक झलक पाने के लिए, और इसलिए कोर्ट ने इस चीज को बैन कर दिया। बट क्या ये ट्रू है? क्या उनको कोर्ट ने ब्लैक कलर का कोट पहनने से मना कर दिया? इंडिया के कोर्ट ने ऐसा किया? बट ये एक्चुअली एक र्यूमर है, और इसे देव आनंद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी रोमांसिंग विथ लाइफ में क्लियर किया। इस कोट में आप देख सकते हो उन्होंने क्या कहा, कि इन्हें इस र्यूमर के बारे में पता चला था बट ये ऐसी हंसी मजाक के लिए छोड़ दिए ताकि लोग भी हंसे कि अरे ऐसा भी हुआ था। बट अपने इस ऑटोबायोग्राफी रोमांसिंग विथ लाइफ में इन्होंने ये क्लियर किया कि ऐसा कुछ नहीं था मैन। फैक्ट नंबर 14, जब भी हम लोग सुपरमार्केट्स में जाते हैं तो आप को पता ही होगा कि म्यूजिक बजता है, एक एम्बिएंट म्यूजिक बजता है, एक नॉर्मल सा कूल सा म्यूजिक बजता है। तो क्या ये जस्ट एक नॉर्मल सी चीज है जो कि हाँ सुपरमार्केट में म्यूजिक बजती है, एक कॉमन सी बात है, बट क्या इसमें कुछ और भी ज्यादा है? तो हाँ, बहुत फायदे का बात है। असल में सुपरमार्केट्स में जो ऊपर म्यूजिक बजता है वो इंसान के दिमाग को काम करता है, और इसे साइंटिफिकली हमारे बॉडी का जो स्पीड है चलने का वो स्लो हो जाता है, दिमाग काम हो जाता है, और हमें नई चीजें खरीदने का मन करने लगता है साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, और इसलिए हम लोग ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। एंड अगर कंपेयर करें नॉन म्यूजिक टाइम को म्यूजिक टाइम के साथ, तो रियली में सेल्स वॉल्यूम एंड मनी पे असर पड़ता है और उनका फायदा होता है, इसीलिए म्यूजिक वो लोग ऑन रखते हैं। फैक्ट नंबर 13, जस्टिन ओ स्मिथ, ये जो है इन्होंने स्मिथ इंडेक्स को निकाला था। मतलब अगर कोई कीड़ा आपको काट दे तो जो दर्द का पेन लेवल होता है वो कैसे मापे, तो इन्होंने उसी इंडेक्स को पहली बार निकाला था, क्योंकि ये एक एंटोमोलॉजिस्ट है पूरे जिंदगी से, मतलब शुरू से कीड़े मकौड़े मक्खी इन सब चीजों पे इन्होंने रिसर्च करते आया है। तो सबसे मेन बात है कि इन्होंने इसी इंडेक्स को बनाने के लिए इन्होंने अपने आप को कटवाया है,
अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इन्होंने इंडेक्स को बनाया है और करीब 78 से भी ज्यादा बीज एंट्स ऐसी चीजों से इन्होंने अपने आप को कटवाया है, तब जाके इन्होंने ये किताब लास्ट में निकाला। दैट्स रियली क्रेजी। और outsideonline.com पे आप इनका ये आर्टिकल भी देख सकते हो कि कैसे एक साइंटिस्ट ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को यूज करके ऐसा इंडेक्स निकाला, मतलब जानबूझ के कटवा के इंडेक्स निकाला। और ये भी फेमस है स्मिट स्टिंग पेन इंडेक्स के नाम पे। फैक्ट नंबर 12, बुद्ध भगवान के जो ये ऊपर ये ऐसा रहता है, बहुत लोगों को लगता है कि ये उनका नॉर्मल हेयर है, उनका बाल है, बट असल में ये स्नेल्स है। पता है, ये छोटे छोटे स्नेल्स है। कहानी के मुताबिक जब ये नॉन स्टॉप मेडिटेशन कर रहे थे, तब एक स्नेल ने इनके बॉडी पे चढ़ के उस जगह पे आया ताकि जो हीट है, गर्मी, उसके चलते इनके मेडिटेशन और इनका जो एक नोबल एम था उन पे बाधा ना आए। और ऐसे ही करते करते 108 स्नेल्स इनके माथे को घेर दिए। और ऐसे ही इस आप जो मूर्ति में ऐसा देखते हो, इस चीज का जन्म हुआ। ये असल में हेयर नहीं है। अब बारीक में डिटेल में देखोगे तो ये असल में स्नेल है। फैक्ट नंबर 11, डेट जो है ना, ये जो वर्ड है इंग्लिश वर्ड डेट, ये इसका काफी मीनिंग है। पहला डेट मतलब दिनांक, तारीख। दूसरा डेट मतलब कपल वाला डेट। और तीसरा डेट मतलब ये जो हम लोग खाते हैं, डेट। तो असल में हम लोग तीसरे की बात करें तो आपको पता है ये वर्ल्ड के सबसे हेल्दीएस्ट फ्रूट्स में से एक है, क्योंकि ये हार्ट यानी दिल के लिए बहुत अच्छा होता है और इसमें आयरन भी भरपूर होता है। और साइंटिस्ट ने भी डेट्स को वर्ल्ड के सबसे हेल्दीएस्ट फूड्स में क्लासिफाई किया है। फैक्ट नंबर 10, जब भी हम लोग पिरामिड सुनते हैं तब हमारे मन में इजिप्ट आता है कि इजिप्ट ही वो जगह है इस पूरे दुनिया में जिसमें सबसे ज्यादा पिरामिड्स मौजूद हैं, बट ऐसा नहीं है। असल में 125 बड़े छोटे पिरामिड मौजूद है इजिप्ट में, बट सूडान नाम का एक कंट्री है और वहाँ पे 225 पिरामिड्स मौजूद है। और ये टेक्निकली वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पिरामिड वाला कंट्री है। नियरली ट्वाइस इजिप्ट के पिरामिड से नियरली ट्वाइस है। फैक्ट नंबर 9, फोर्ड अरोरा 2, ये कार थी 1969 की और इसका जो इंटीरियर है वो ऐसा है जैसा आज तक भी नहीं बना। आप देख सकते हो कि इस कार का इंटीरियर जो है ये कितना अमेजिंग है, मतलब एक बिल्कुल सोफे की तरह है। और लिटरली ऐसा फिर से किसी कार में नहीं हुआ जिस तरह ये फोर्ड अरोरा 2 में 1969 के ही टाइम में था। फैक्ट नंबर 8, रेडिट में इस इमेज को पोस्ट किया गया था और ये देखने पे ऐसा लगता है कि दो पेड़ आपस में ऐसे गले मिल रहे हैं, हग कर रहे हैं, है ना। फैक्ट नंबर 7, बहुत लोग हैं ना जिनका आदत हो जाता है कि अपने टॉयलेट को वो अक्सर रोकते रहते हैं, बट क्या आपको पता है कि ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। अगर कोई ऐसा एक बार भी करे तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होता, काइंड ऑफ, क्योंकि इससे किडनी स्टोन का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है इसको रोकने से, क्योंकि जो चीज आपके अंदर से बाहर आना चाहिए उसी को अगर सप्रेस करे कोई तो बॉडी में दिक्कत आने लगती है। और वहाँ का मसल डैमेज और वहाँ का टिश्यू डैमेज ये तो कॉमन है ही, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। फैक्ट नंबर 6, मोरक्को में वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सोलर फार्म मौजूद है और आप इसका ऊपर से ड्रोन व्यू देखो, 35,000 फुटबॉल फील्ड के बराबर के साइज पे ये फील्ड मौजूद है और करीब साल का 8,00,000 टन कार्बन एमिशन को ये रोकता है। और ये सहारा डेजर्ट में मौजूद है। इस जगह का नाम है नूर क्वार्ज़ा ज़ाटे कॉम्प्लेक्स और मोरक्को सोलर फार्म। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि वर्ल्ड का सबसे पहला स्पेस होटल साल 2027 में जाके ओपन होने वाला है, वॉयजर स्टेशन नाम का ये होटल, और ये बिल्कुल कमर्शियल होटल होने वाला है। ऑर्बिटल असेंबली कॉरपोरेशन इसको खोल रही है और ये लॉन्च होने वाला है 2027 में। और सबसे अमेजिंग बात है कि सिर्फ, मतलब ऐसा नहीं कि एस्ट्रोनॉट्स इसमें रहेंगे, बल्कि धरती का कोई भी इंसान बुक करके इस होटल में जा सकता है और फिर वो सेफली रिटर्न कर सकता है स्पेसशिप के थ्रू। मतलब नॉर्मली होटल से हम लोग मस्त व्यू का बात करते हैं, दूर दिखता है, अरे वहाँ पहाड़ दिख रहा है, नदी दिख रहा है, बट इस होटल में से कोई उठेगा सो के फिर देखेगा बाहर तो पूरा धरती दिख रहा होगा और वो ऐसे ऐसे अंगड़ाई लेते हुए पूरे धरती को देखेगा एक शीशे के थ्रू।
फैक्ट नंबर 4, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में आपको अमेज़न का ऑफिस दिखाया था, कैसे जेफ बेजोस अकेले एक कंप्यूटर पर बैठ के काम कर रहे हैं और दूसरे में एक ऐसा अमेज़न का बिल्डिंग जो पूरा पेड़ से घिरा हुआ है, एकदम अरबों खरबों का बिल्डिंग, वैसे ही गूगल का अभी देखो, ये है गूगल का पहले का टीम और उस टाइम का ऑफिस google.com, और ये है अभी का ऑफिस जो कि एकदम मैग्निफिसेंट है। फैक्ट नंबर 3, सैन फ्रांसिस्को गार्टर स्नेक नाम का ये स्नेक है और इसे अक्सर वर्ल्ड का सबसे ब्यूटीफुल स्नेक भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो स्नेक होता है इसका जो कलर होता है बॉडी का वो बहुत ही अलग होता है और वर्ल्ड के सबसे यूनिक शेड्स में से एक होता है, वो भी नेचुरली, मतलब अगर ये किसी इंसान के आंख के सामने आ जाए तो लिटरली एक मतलब अनरियल सा लगता है, ऐसा लगता है कि स्नेक के ऊपर किसी ने पेंटिंग कर दिया हो या फिर वीडियो या फोटो में एडिटिंग कर दिया हो, बट इसका कलर नेचुरली ही ऐसा होता है। फैक्ट नंबर 2, एक 16 महीने के बच्चे के हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आई, तो क्या हुआ था कि उस बच्चे के लिए हार्ट जल्दी नहीं मिल रहा था, तब डॉक्टर ने, आप जो अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, इसी आर्टिफिशियल हार्ट से करीब 13 दिन तक बच्चे को चलाया, मतलब जब बच्चे का हार्ट नॉन फंक्शनिंग हो गया था, तब उसके बाद जब इस आर्टिफिशियल लोहे के बने हार्ट को लगाया गया तब वो बच्चा 13 दिन तक जिंदा रहा, एंड उसके बाद जब उसका एप्रोप्रिएट हार्ट मिल गया तब तो उस पे लग ही गया, बट सबसे अमेजिंग बात ये है कि 13 दिन तक ये हार्ट उसको बचा के रखा इस हार्ट से, इस आर्टिफिशियल हार्ट के चलते, मतलब इंसान कितना आगे पहुंच गया है, एक ऐसा डिवाइस जो कि पूरे बॉडी में, एक छोटे से बच्चे के बॉडी में ब्लड पंप कर सकता है, एक आर्टिफिशियल हार्ट। ये घटना इटली में हुई थी और cbsnews.com का आप ये आर्टिकल देख सकते हो। फैक्ट नंबर 1, अगर आप ब्रश नहीं करते हैं तो कितने दिन बाद तक आपका दांत टूट जाएगा, और क्या ऐसा टाइम आएगा जब दांत एक्चुअल में निकल जाएगा आपके मुंह से? नहीं, ब्रश करने पे आपके दांत पे ये पीला पीला जमा होने लगेगा प्लाक। प्लाक कहते हैं बचे हुए खाने का अंश प्लस बैक्टीरिया प्लस आपके सलाइवा यानी लार, इन तीनों के जमे हुए मिक्सचर को, और प्लाक दूसरे बैक्टीरिया को इनवाइट करता है कि आओ इस घर को हम लोग अपना नया घर बनाते हैं। मीन्स प्लाक से आपका दांत गंदा गंदा और गंदा होते रहता है, और एक दिन ब्रश नहीं करने के बाद ही प्लाक जमा होने लगता है, बट एक हफ्ते नहीं करने के बाद वो 1000 गुना स्ट्रांग हो जाएगा और करीब 30 से 40 गुना आपका दांत पूरा पीला पीला दिखेगा, टीथ डिस्कलर हो जाएगा और आपका माउथ तो इतना महकेगा मानो एक नाला महक रहा हो। 3 महीने बिना ब्रश किए आपके दांत के अंदर बड़े बड़े कैविटीज यानी गड्ढा बनना शुरू हो जाएगा और मसूड़े जो है वो ढीले होने लगेंगे। साइंटिफिकली कहें इसको अनकॉमन भाषा में तो 1 साल बाद जाके पेरियोडोंटिटिस नाम का एक कंडीशन होगा जिससे आपका जो टीथ का गम है वो आपके दांत को छोड़ने लगेगा, और जो ऐसे छोड़ेगा और जो स्पेस बनेगा उसमें और ज्यादा बैक्टीरिया इन्वाइट होगा और इतनी आबादी हो जाएगी बैक्टीरिया की कि आपका इम्यून सिस्टम ही गम को यानी आपके मसूड़े को डैमेज करने लगेगा। उसके बाद आपका दांत गिरने लगेगा 1 साल 2-3 महीने के अराउंड, लिटरली बाहर निकलने लगेगा, मतलब सोच के ही मेरे दांत में दर्द हो रहा है इस चीज के बारे में। फिर क्या, खत्म, टाटा बाय बाय। वीडियो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।